हाय एवरीवन, मैं हूं रुफ़ा इरफ़ान मलिक एंड वेलकम टू अनदर वीलॉग। आज के इस वीलॉग में बात करना चाहेंगे पाकिस्तान की सीनियर एक्ट्रेस जवेरिया बासी के हवाले से, जिन्होंने हाल ही में ये रिवील किया है कि दैट शी गॉट मैरिड अबाउट 3 मंथ्स बैक और अभी वो बहुत ज्यादा जबरदस्त जिंदगी, खुशगवार जिंदगी जो है वो गुजार रही है। जवेरिया अब्बासी के शौहर कौन है, उनकी तफसीलात आज के इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सो आप सबको याद होगा अबाउट 2 मंथ्स बैक जवेरिया बासी ने पेरिस के ईफल टावर के आगे अपना हाथ और साथ ही साथ एक मर्दाना हाथ और इसकी एक बड़ी कंफ्यूज सी पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने हाथ में जो थी वो अंगूठी भी पहन रखी थी और कैप्शन में तहरीर उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। तो उनके फैंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि शायद उनकी ज़िंदगी में कोई आ गया है, बट शी हैज़न्ट रिवील्ड इट येट। अच्छा, हाल ही में उन्होंने समा टीवी का शो है, मॉर्निंग शो, उसमें अपने बेस्ट बडी जो उनके बेस्ट फ्रेंड हैं शहूद अलवी, उनके साथ शिरकत की और अपनी शादी की जो तफसीलात हैं वो इस मॉर्निंग शो से शेयर की। सो जवेरिया बासी का ये कहना था कि उनकी बेटी की शादी जब हुई तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा तनहा हो गई और उनका ये माइंड था कि जब वो अपनी बेटी की शादी कर देंगी तो फिर उसके बाद जो है वो अपनी शादी के बारे में जो है वो सोचेंगी। सो उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड जो है उनका ताल्लुक जो है वो बिजनेस से है, ही इज अ बिजनेसमैन, शोबिज़ उनका दूर दूर तक ताल्लुक जो है वो नहीं है। और एक तकरीब के दौरान उनकी अपने हस्बैंड से मुलाकात हुई, जब उन्होंने उनको प्रपोज भी बाद में किया लेकिन उन्होंने उस वक्त प्रपोजल जो था वो एक्सेप्ट नहीं किया। शी वॉज वेरी कन्फ्यूज, लेटर ऑन शी डिस्कस द प्रपोजल विद हर डॉटर, जिसपे उनकी बेटी ने उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, सपोर्ट किया कि आप लाजमी तौर पर शादी करें बिकॉज आपको भी एक जीवन साथी की जरूरत है। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की मुलाकात अपने शौहर से करवाई और फिर उनकी बेटी ने डिसाइड किया, यानी उनको काफी ज्यादा सपोर्ट किया कि वो दोबारा शादी करें। जवेरिया बासी का ये कहना था कि उन्होंने पहले इसलिए शादी का नहीं सोचा क्योंकि उनकी जिम्मेदारी में, उनके सर पर उनकी बेटी की शादी की एक जिम्मेदारी थी जिसको वो पहले बखूबी निभाना चाहती थी। फिर एक तरफ अनोशा अब्बासी और जवेरिया अब्बासी के अपने पेरेंट्स, बोथ मदर एंड फादर, बोथ वर वेरी सिक, बहुत बीमार थे। फिर इनके एक और बहन भाई, उनकी भी शादी नहीं हुई थी, तो वो चाहती थी कि पहले वो इनके फराइज अदा कर दें और फिर उसके बाद जो है वो शादी करें। सो अब उन्होंने शादी कर ली है और उनके ससुराल वाले, उनकी सास, दे आर वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, बट उनके हस्बैंड जो है उनका ताल्लुक शोबिज इंडस्ट्री से नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही कि उनके अपने निकाह और उनकी बेटी अंजला के निकाह में गवाह जो थे वो शहूद अलवी थे, यानी उनकी दोस्ती का शहूद अलवी के साथ ये लेवल है। आप सबको याद होगा बैक इन 1997 जवेरिया अब्बासी शी गॉट मैरिड टू शमोन अब्बासी और 2007 तक ये शादी बरकरार रही। जब शादी हुई थी 2 साल बाद इनकी बेटी पैदा हुई अंजला अब्बासी, बट इख्तलाफात की बुनियाद पर दोनों में अलहदगी हो गई। शमोन अब्बासी जो है वो ऑलरेडी तीसरी शादी कर चुके हैं लेकिन अब जवेरिया अब्बासी ने अब आकर अपनी बेटी की शादी के बाद दूसरी शादी की है एंड शी इज लीडिंग अ वेरी वेरी हैप्पी लाइफ। सो आज के इस वीलॉग से इतना ही, अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह।